यहाँ पर जो है ना ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब में, उसके बल्कि सामने ही पीछे, अगर इधर सीधे आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ तो कराची यूनिवर्सिटी का एरिया ही है। तो यहाँ पर रोड बनने का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन जो है ना इकदाम है, इसलिए कि उनके जो मसले हैं, जो वो ट्रैफिक में आते हैं, फंसते हैं, एक रेड लाइन का जो मंसूबा था अंडरपास का, वो और रेड लाइन का जो रोड है वो जो है ना तैयारी के मरहले में, और कराची यूनिवर्सिटी पे सबसे पहले काम जो है ना कराची यूनिवर्सिटी पे ही हमें नज़र आया, रोड का काम जारी है। आगे चलते हैं, देखते हैं, जल्दी जल्दी से रोड बन रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई है देखकर। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पास सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रोड बनने का अमल जो है ना जारी हो चुका है, बहुत ही स्पीड से काम जारी है, और हम जो है ना यहाँ पर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ, और कराची यूनिवर्सिटी से हम सफूरा गोट की तरफ जाएंगे, और सफूरा से होते हुए फिर हम आपको यानी कि रेड लाइन की जो अपडेट है वो आपको बताएंगे। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक्सकवेटर बोल दिया था, जिसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, लेकिन ये एलिवेटेड स्टेशन होते हैं तो वो गलती से जो है ना मेरे मुंह से निकल गया, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना एक्सकेवेटर बोल दिया, हालांकि एक्सकेवेटर मशीन है, तो मैंने जो है ना एलिवेटेड स्टेशन बोलना था। तो यहाँ पर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर रोड का काम जो है ना जारी है, और आप देख सकते हैं, और रोड का काम जारी है, शिपर से ये जो खड्डे वड्डे होते हैं उसको जो है ना ये खड्डों को जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना दबाता है, प्रेस करता है, तो लेवल करता है, तो वो इस वजह से ये शिपर चलाना पड़ता है पहले, और उसके बाद रोलर चलाना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, शिपर्ड, ये जो है ना शिपर्ड, इसको शिपर्ड बोलते हैं, यानी कि ये इसके ऊपर जो बड़े बड़े से ये ग्रिपें लगी हुई हैं, ये जो पत्थर होते हैं छोटे मोटे, उनको नीचे प्रेस करके जो है ना लेवल करता है, फिर उसके बाद ये बराबर में आपको रोलर नज़र आ रहा है, ये रोलर चलता है। पीछे आपके जो है ना, अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो वो वहाँ पर जो है ना ग्लाइडर चल रहा है, ग्लाइडर चलने के बाद ये जो है ना शिपर्ड चलता है, शिपर्ड के बाद जो है ना ये रोलर चलता है, रोलर चलने के बाद जो है ना ये फिर एसफॉल्ट मशीनें आती हैं, फिर वो उसके ऊपर जो है ना ये कंक्रीट का जो मटेरियल होता है, इसका क्या नाम, उसका मेरे ख्याल से तो पहले कंक्रीट का मटेरियल ही डलेगा, क्योंकि कंक्रीट का मटेरियल डलने के बाद फिर इसके ऊपर जो है ना रोड बनेगा, क्योंकि जब रोड मजबूत बनाना होता है, जब रोड लॉन्ग लाइफ यानी कि लंबे अरसे तक के लिए बनाना होता है, क्योंकि काम ऐसा बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, तो उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए फिर उसके लिए जो है ना काम भी बेहतरीन होता है, जो कि ये इस वक्त किया जा रहा है। रेड लाइन पर रोड का काम शुरू हो चुका है, इस वक्त मैं जो है ना कराची यूनिवर्सिटी, एनडी यूनिवर्सिटी और शेख जैद इस्लामिक सेंटर के करीब ही मौजूद हूँ, जो कि इस एरिए के अंदर रोड का काम स्टार्ट कर दिया गया है, आप इस वक्त देख सकते हैं। और अभी हम पीछे की तरफ भी जाएंगे, ये सामने आपको बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर जो है ना ग्लाइडर भी जो है ना अपना काम कर रहा है, तो ये शिपर्ड होता है, शिपर्ड जो है ना अपना काम करके जो है ना रोलर के लिए लेवल करता है, ताकि जो है ना रोलर फिर अपना काम करे, उसके बाद जो है ना फिर ये काम स्टार्ट होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा रहा है, वैसे तो 2 साल का कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जल्द से जल्द नफरी और भी लगा दी जाए, क्योंकि इस काम को जल्द से जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के बाद येलो लाइन के ऊपर भी जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना वो 5 लाइनों का है, एक ऑरेंज लाइन, एक ग्रीन लाइन, एक रेड लाइन, एक येलो लाइन, एक ब्लू लाइन। तो ऑरेंज लाइन रेडी हो चुकी है, अब वो चल रही है या नहीं चल रही, किस पोजीशन पे है, ग्रीन लाइन चल रही है, बहुत भर भर के जा रही हैं बसें, अच्छा एक रैपिड जो ट्रांसपोर्ट है, जो आम ट्रैफिक है उसके अंदर चलती है, वो भी जो है ना कामयाब जा रही है, इसके बाद ये रेड लाइन का काम है, फिर इसके बाद येलो लाइन का काम है। तो आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल देखते हैं कि आगे क्या है। अभी फ़िलहाल ये शिपर जो है ना चल रहा है, यहाँ पर रोड का लेवल भी आप देख सकते हैं इस वक्त दोस्तों। चलें दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडर भी चल रहा है, ये ग्रेडर जो ना रोड को क्लियर कर रहा है, जो पथरी डली हुई है
तो उसके ऊपर जो है ना ये ग्रेडर चलेगा, चलने के बाद जो है ना ये फिर ये रूलर चलेंगे, उसके बाद जो है ना फिर इसके ऊपर रोड़ी पथरी डालने के बाद फिर इसके ऊपर जो है ना डामर से रोड डाला जाएगा। काफ़ी मजबूती से जो है ना काम बनेगा, क्योंकि रेड लाइन का काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है ना काम हो रहा है। अभी मैं आपको ये सूरत हाल दिखाता हूँ, ये सामने ये जहाँ पे आपको क्रेनें नज़र आ रही हैं, ये इसका बन रहा है एलिवेटेड का जो यू टर्न है, ये वो है उसका जो है ना यू टर्न बन रहा था। तो ये ग्रेडर बोलते हैं इसको, तो ये रोड को लेवल करता है, उसका जो मिट्टी वट्टी पड़ी होती है उसको जो है ना लेवल करता हुआ जाता है एक अपने हिसाब से। तो दोस्तों एलिवेटेड अंडरपास और एलिवेटेड स्टेशन पे जो है ना काम शुरू है, और हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि वहाँ पर जो है ना रोड का काम जारी था और यहाँ पर जो है ना एलिवेटेड जो स्टेशन है उसके ऊपर काम जारी है। शेख जैद, ये आप देख रहे हैं पीछे, शेख जैद इस्लामिक सेंटर है ये, उसके बिल्कुल सामने जो है ना यहाँ पर काम का आगाज़ हो चुका है। तो ये रेड लाइन के ऊपर जो है ना मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी स्पीड से काम जारी है, और यहाँ पर जो है ना ये सीमेंट का जो मटेरियल है, जो ये जो कंक्रीट का जो मटेरियल है ये डाला जा रहा है सरिये लगाकर, जो है काफ़ी यानी कि खूबसूरत किस्म का, एक मैंने आपको मंजर नज़र आ रहा होगा, देखें सरिये का जाल बिछा हुआ है पूरा। बीआरटी का बन रहा था, तो अभी ग्लेडर जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है, आगे रूलर काम कर रहे हैं और काफ़ी यानी कि स्पीड से काम जारी है। जल्द से जल्द मुकम्मल होने का चांस है इसका, कहते हैं कि 2 साल तक हो जाएगा मुकम्मल, लेकिन मुझे जिस पोजीशन पे हम लोग जो है ना रोज़ाना आके इसका सर्वे करते हैं तो वैसे नहीं लग रहा कि 2 साल में होगा। हो सकता है कि थोड़े से आगे चल के 1-2 महीने 4 महीने के बाद जो है ना इसके ऊपर जो है ना और ज़्यादा नफरी लगा दी जाए, तो फिर ये जल्द से जल्द जो है ना काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इजाज़त चाहूँगा,